स्कैन करते ही सारे वो एविडेंस खुल जाएंगे जिसमें कि बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शन है। उन्होंने बहुत पहले ही ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि एक दिन बॉलीवुड विल कोलैप्स, क्योंकि उसमें नेपोटिज्म है। उसमें हर वो एंगल और एविडेंस दिए गए हैं जो कि दो इसमें पहलू हैं, एक जो मर्डर एंगल को दिखाते हैं और ये हमने CBI को भी दिए हुए हैं। गोस्वामी का केस कैसे उनको उठवा लिया था, जब ये अर्णव गोस्वामी बहुत वोकल थे केस को लेके, उनके घर में उनको ऐसे उठवा लिया जैसे कोई आतंकवादी हो। CCN News 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है और आप इनके हाथ में ये पैम्पलेट है, इस पे लिखा है बॉयकॉट बॉलीवुड। बॉयकॉट बॉलीवुड आजकल सबसे ट्रेंडिंग एक हैशटैग बन चुका है सोशल मीडिया पे। चाहे कोई भी मूवी आ रही है जिसमें देखा जा रहा है खान्स हो, ऐसा एक एंगल दिया जा रहा है कि खान्स की मूवी को ज़्यादातर बॉयकॉट किया जा रहा है। और इसके नीचे लिखा है स्कैन QR, माफिया, ड्रग्स, क्राइम, स्कैन QR। ये QR स्कैनर क्यों लगा रखा है यहाँ पे? जिससे जागरूकता फैले और इसको स्कैन करते ही सारे वो एविडेंस खुल जाएंगे जिसमें कि बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शन है, उनकी क्या क्या कंट्रोवर्सीज रही है और किस तरीके से ये हमारे सोसाइटी को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, सारे उसके एविडेंस, ये कोई थ्योरी नहीं, पूरे एविडेंस जो है खुल जाएंगे। जब बॉलीवुड में जो ये माफिया कनेक्शन, ड्रग कनेक्शन है, वो सारी चीज़ें इससे खुल जाएगी। इसकी शुरुआत इस आर्टिकल की ऐसे होती है कि सुशांत सिंह राजपूत, तो उन्होंने बहुत पहले ही ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि एक दिन बॉलीवुड विल कोलैप्स, क्योंकि उसमें नेपोटिज्म है, बहुत गलत चीज़ें भी हैं। तो खुद सुशांत सिंह राजपूत ने भी इस चीज़ को बहुत पहले प्रिडिक्ट किया था कि वन डे बॉलीवुड विल कोलैप्स। आपके इस पैम्पलेट के पीछे भी कुछ है, वो भी एक बार दिखा दो दर्शकों को। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, और उसके लिए भी एक स्कैन QR बना रखा है ये, इसमें मतलब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात। बिल्कुल, इसमें हर वो एंगल और एविडेंस दिए गए हैं जो कि दो इसमें पहलू हैं, एक जो मर्डर एंगल को दिखाते हैं और ये हमने CBI को भी दिए हुए हैं। मर्डर कैसे, ये तो कहा जा रहा है आगे से कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। पहली बात, सुसाइड का एक भी कोई प्रमाण नहीं है, नंबर एक ये। अच्छा, जिसने घोषणा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, नहीं पोस्टमार्टम की भी बात बता दूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट फ्लॉट थी, ये मैं नहीं कह रहा, खुद उनके वकील ने CBI को बोला हुआ है। नंबर एक, किसी भी पोस्टमार्टम में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है कि टाइम ऑफ डेथ, वो मेंशन नहीं था। पोस्टमार्टम हमेशा जो है उजाले में की जाती है, इसको रात में करवाया गया था, उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं कि मैजिस्ट्रेट के जो है इन्फॉर्मेशन से करवाया था गया था कि नहीं। पंचनामा जो हुआ था वो भी गलत था। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात, जो खुद पुलिस, मुंबई पुलिस में उस टाइम पे थे, जिन्होंने इसको सुसाइड एंगल बोला था, आज वो खुद जेल के अंदर है, उसके ऊपर खुद कार्रवाई चल रही है, उनके ऊपर खुद एलिगेशन सीरियस लगे हुए हैं, CBI इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, ED के भी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। नॉट ओनली दैट, इवन ये तो हो गया कि जिन्होंने बोला उनकी क्रेडिबिलिटी तो कुछ भी नहीं है। अब आता है मर्डर वाली चीज़ पे कि उसमें पंखे का जो गैप है आपका बेड से लेकर, वो पर्याप्त नहीं है कि वो लटक सके। टेंसाइल स्ट्रेंथ रिपोर्ट भी जो है वो क्रेडिबल नहीं है। इवन जो विसरा रिपोर्ट है उसमें भी, जो एम्स की अगर बात लेकर चले, उन्होंने बोला था कि कोई भैया ऐसा फॉरेन सब्सटेंस या केमिकल मिला नहीं है कि जिसमें वो लोग एलिगेशन लगाते कि कुछ शायद लेके वो डिप्रेस्ड हो गए, कुछ किया होगा, ऐसा भी कुछ नहीं निकला। और अगर ये ऐसा कहा जा रहा था उस वक्त कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो बहुत डिप्रेशन में चल रहे थे, इस वजह से उन्होंने किया था सुसाइड। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो बल्कि गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने भी यही कन्फेशन दिया था। बिल्कुल भी नहीं, वो कन्फेशन तो क्या, वो तो अपने आप को बोलने बचाने के लिए बोलेंगे या कुछ भी अपने मन का, वो बॉलीवुड का यही रहता है, वो हमेशा डिप्रेशन या सुसाइड नैरेटिव ही चलाते हैं। अगर मैं मर्डर एंगल की बात करूं, फिर रिसेंटली इवन रूप कुमार शाह भी, जो मतलब कूपर हॉस्पिटल में उन्होंने जो स्वयं उस बॉडी को स्टिच किया सुशांत सिंह राजपूत सर को, उन्होंने भी खुद आकर बोला कि भैया ये मर्डर है, उनको आने पे मजबूर होना पड़ा। खुद सोचिए कि हमारी क्या व्यवस्था है देश में कि उनको, ये तो अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने ये कन्फेशन दिया है कि ये मर्डर है। हाँ। उस वक्त क्यों नहीं दिया उन्होंने? Exactly, उन्होंने इस चीज पे भी क्लैरिटी दी क्योंकि उस टाइम पे सरकार जो है पेंगुइन सरकार थी, सबको पता है, MVA की सरकार थी, और उनसे उनको बहुत ही ज्यादा क्या था कि डर था, एक उनको थ्रेट था, तो उन्होंने इस बात को बार बार उजागर किया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो पहले सरकार थी उन्होंने भय पैदा कर रखा था इसको, सुशांत सिंह राजपूत को मर्डर और सुसाइड में कंफ्यूज करने के लिए। सबसे बढ़िया एग्जांपल है अर्णव गोस्वामी का केस, कैसे उनको उठवा लिया था, जब ये अर्णव गोस्वामी बहुत वोकल
लोकल थे केस को लेके, उनके घर में उनको ऐसे उठवा लिया जैसे कोई आतंकवादी हो। उस टाइम पे उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा गई थी, वो भी तो एक पत्रकार थे। उस वक्त कंगना रनौत जी का वहाँ पे महाराष्ट्र में घर भी तोड़ा गया था, ऑफिस भी तोड़ा गया था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि नारायण राणे जो इतने वरिष्ठ नेता है, ठीक है, वो बार बार आके कह रहे हैं कि पेन ड्राइव में कुछ है और वो देना चाहते हैं। अगर ये बातें झूठ होती तो मैं आपको बता दूं, सुसाइड वाले एंगल पे भी एक बात बता दूं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सुसाइड है या मर्डर है। जब वहाँ के मीडिया रिपोर्ट ये निकली थी कि भैया सीबीआई ने तो सुसाइड घोषित कर लिया, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, एम्स का रिपोर्ट आ गया है, सीबीआई ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज दिया था अपने ऑफिशियल वेबसाइट से कि ये सारी खबरें झूठ है, ये हमारा आरोप नहीं है, सीबीआई ने खुद बोला हुआ था ये 14-15 अक्टूबर को, उन्होंने 2020 में उनकी वेबसाइट में जाइए आपको मिलेगा प्रेस रिलीज डाला हुआ था कि ये जो खबरें चलाई जा रही है न्यूज़ में कि ये सुसाइड करके एम्स ने घोषणा कर दिया, ये सारी गलत है। तो इतनी भी, और नारायण राणे इतने तब से बोले जा रहे कि उनके पेन ड्राइव में चीज़ें हैं, अगर वो गलत होती तो सीबीआई फिर से प्रेस रिलीज करती और बोलती ये बातें भी गलत है। और इवन यही नहीं, कई आरटीआईज भी फाइल हुए, सीबीआई जो है एजेंसी आरटीआई के घेरे में नहीं आती है, लेकिन उन्होंने फिर भी जवाब देते हुए कहा है कि हम सारे एंगल से, उन्होंने ये नहीं बोला सुसाइड एंगल से, हम सारे एंगल से इस केस की जांच किए जा रहे हैं और हम कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी डाइवर्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो केस को क्षति पहुंचा सकती है। इस केस में सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसा आप कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी और बॉलीवुड का कोई कनेक्शन है, क्या कनेक्शन लगता है आपको इसमें? कनेक्शन ही कनेक्शन है, कोई भी अवार्ड सेरेमनी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये लोग आप एक साथ दिखते हैं आपको हर जगह पे, हर मंच पे। कोई ब्रांड को प्रमोट करना हो तो ये गेस्ट बनकर आ जाते, कोई इवेंट होता हो गेस्ट बनकर आ जाते हैं। एक जगह बता दीजिए जहाँ पे ये पॉलिटिशियन और बॉलीवुड वाले साथ नहीं दिखते हैं। कहा जाता है जब जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, आप कह रहे मर्डर है, तो उस वक्त करण जौहर का बहुत नाम आ रहा था कि करण जौहर एकमात्र ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने कह रखा था, साजिद नादियावाल जो है उन्होंने भी मना कर दिया था कि अब से हमारी कोई भी मूवी में सुशांत सिंह राजपूत को पार्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसा भी कहा जा रहा था कि करण जौहर का इसमें नाम हो सकता है मर्डर में, तो आपको लगता है ऐसा? अब वही तो चीज है, ये तो काम सीबीआई का ना, हम तो चाह रहे हैं कि आप भाई सीबीआई जांच करके निकाले किसने मर्डर किया है, हमें इतना पता है कि मर्डर हुआ है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, और ये सोचिए सीबीआई भी किसके कहने पर आई, ये नहीं कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो खाली उनको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट की थी, मेन सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ऋषिकेश रॉय का ये आखिरी वर्ड था कि भाई जस्टिस मिलेगा तो सबका एक फेथ सिस्टम में बढ़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो है सीबीआई इस केस पर आई कि उनके आदेश पे कि आए, और ये करण जौहर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स नेपोटिज्म है, ऑफकोर्स उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन सुशांत सर जो थे वो किसी के रुकने वाले में से नहीं थे कि किसके कहने पे, वो तो खुद एक एंटरप्रेन्योर थे, टेक्नोक्रेट थे, उनकी खुद की कंपनी चलती थी, तो वो तो खुद इस इंडस्ट्री को छोड़ के अपने उन बाकी सारे काम पे करने वाले थे। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला हुआ है कि बॉलीवुड मूवी जो मैं एक काम करता हूँ वो तो है, उसके सिवा 10 और काम करता हूँ जिससे मैं पैसे कमाता हूँ, मैं रहता हूँ, तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। कि उन्होंने ये भी बोला हुआ था कि अगर मुझे मूवीज नहीं भी मिलेगी मैं खुद का कैमरा खरीदूंगा, खुद मूवी बना के उसको खुद मैं यूट्यूब में डालूंगा, मैं बाकी जगह पर डालूंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कल को मुझे मूवी मिले या ना मिले। ये भी कहा जा रहा था एक टाइम पे कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग एडिक्ट थे, ऐसा अभी तक उसके लिए कोई मतलब उसके सपोर्ट में एक भी मटेरियल नहीं निकला है। सारे जो है ये लोग जो बॉलीवुड कबाल बॉलीदाउद कबाल मैं कहता हूँ, इनके द्वारा लगाया हुआ एलिगेशन है, आज तक एनसीबी ने आके कोई भी पुख्ता ऐसा कुछ सबूत सामने नहीं रखा है जिसमें ये बात क्लियर हो रही हो। ये तो और वो बेचारा इंसान अभी अपने आप को जो है डिफेंड करने के भी लिए नहीं है, और ऊपर से अभी तक कोई अच्छा एनसीबी ने जो ये केस किया हुआ है, सोचिए कितने सालों से, लगभग 2 साल हो गया, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अभी तक आज तक उसकी हियरिंग नहीं आई, डेट 1.5-2 साल से टली जा रही है। तो आप खुद देखिए क्या व्यवस्था है हमारे देश में। आपको क्या लगता है आपके खुद के परसेप्शन से ये मर्डर किसने कराया होगा सुशांत सिंह राजपूत का? बिल्कुल, इसके पीछे मैं क्लियर कट एकदम ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि ये बॉलीवुड जो अंडरवर्ल्ड माफिया वाला कबाल है उसी ने करवाया होगा, क्योंकि कोई भी आउटसाइडर जब आता है ना जो इनके उनके ग्रुप का नहीं होता, ये सब आता है, ये लोग या तो इतना मजबूर कर देते कि ये छोड़ के या तो इंडस्ट्री चले जाए या तो फिर इनका मर्डर करवा देते और नाम दे देते सुसाइड का और ये सब का। जैसे दिव्या भारती भी थी इससे पहले, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने भी सुसाइड, उनको भी एंगल दिया गया था। मुझे समझ नहीं आता, जो इंसान अपने करियर में अच्छा कर रहा हो, सुखी हो, खुशी हो, भैया वो खुदकुशी क्यों करेगा, सुसाइड क्यों करेगा? बाद में बहुत से लोग उसको एक्सीडेंट का भी रूप देना चाहे थे। उसी से मैं थोड़ा मिलता जुलता केस अभी यहाँ पे दिशा सालियान का भी लाऊंगा कि दिशा सालियान जो जिनको बोला जा रहा था कि मैनेजर है, जबकि वो सुशांत सर से सिर्फ एक ही बार मिली थी। हाँ, तो वो दिशा ने ऐसा कहा गया था कि उन्होंने कुछ टाइम पहले सुसाइड किया था और उसके बाद 10-15 दिनों के अंदर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था। नहीं, सुसाइड नहीं,
मैं दो चीज़ें हैं इसमें, दिशा सालियान का जो कहा जा रहा है कि सुसाइड वाली चीज़, भाई कोई अगर छलांग लगाएगा तो एक विज्ञान होता है, वो एक हद तक गिर सकता है। जहाँ पे बॉडी मिली थी रिपोर्टेडली और जहाँ से लगाई गई थी, कोई इंसान कितना भी जंप करने जा नहीं सकता है। दूसरा, उसका जो फियांसे कह लो, बॉयफ्रेंड कह लो, जो भी रोहन राय, उसके बयान बार बार बदल रहे हैं। जो भी लोग आके कह रहे हैं सबके बयान मैच ही नहीं कर रहे, भाई सच तो एक ही होता है ना, तो इनके बयान फिर बार बार क्यों बदल रहे हैं। दूसरी चीज़, सुशांत सर ने इवन इतना तक बोला हुआ था अपनी बहन को कि अब ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। जब दिशा सालियान का खबर सुशांत सर को पता चला तो उनकी बहनों ने ये बोला हुआ है कि उनकी बहन को जो है सुशांत सर ने बोला था अब लोग ये मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब सुशांत सर को 9 तारीख को ये बात पता थी कि उनका मर्डर होने वाला है। नंबर दो, कि उन्होंने ये भी बोला था, उनकी सिस्टर ने ये बोला हुआ है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो अपने आप में ऐसे बड़बड़ाए जा रहे थे, बोले जा रहे थे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ सच सच बता दूंगा। तो अगर कोई बंदा डिप्रेशन में हो, सुसाइड करने वाला हो, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी को मतलब क्या कहते हैं एक्सपोज करने की बात क्यों कहेगा। मतलब सुशांत सिंह राजपूत सर कुछ जानते थे, जो अगर एक्सपोज हो जाता तो ये जो अंडरवर्ल्ड माफिया है इसका बहुत सारा चीज कच्चा चिट्टा खुल जाता, इसीलिए इनको मरवाया गया। सुशांत सिंह राजपूत और उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का आपको क्या लगता है कि रिया चक्रवर्ती को उनके मर्डर के बारे में पता होगा? भाई इतने साथ रही है, सीधा उनको कॉल आता है दिशा सालियान के केस के बाद ही उन्हें कॉल आता है, निकल जाओ, वो झगड़ा करके निकल जाती है। भाई उनको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? तो सीबीआई के ऊपर है ना कि जो सच है वो सामने निकलवाए, और इसीलिए हम जस्टिस की मांग करें। आप ये सोचिए, आप लगभग सीबीआई वाला काम तो हम ही लोग करें, हम रिसर्च करके सीबीआई को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम जस्टिस की मांग करें, हम भरोसा भी दिखा रहे हैं। भाई सीबीआई की क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सच को जनता के सामने लाए? हम टैक्स पे करते हैं, उससे उनकी सैलरी आती है, उनका घर पलता है, ठीक है। ये पूरा जो हमारे ये जितना भी चीज़ आसपास आप सिस्टम देख रहे हैं उसमें हम टैक्स पेयर्स का पैसा है, तो क्या हमारे लिए इतनी भी उनकी नहीं बनती कि भाई सच को सामने लाया जाए? हम तो ये गुहार कर रहे हैं, और इसीलिए प्रोटेस्ट है कि भैया 302 के साथ चार्जशीट लगाओ और जो सच है वो सामने लाओ। हम ये नहीं कह रहे कि किसी और को फंसा दो। आप जैसे करण जौहर का नाम ले ली, अगर उसने मर्डर नहीं किया, नहीं किया है भाई, लेकिन जो किया है मर्डर उसका नाम सामने लाओ। हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है, हम बस इतना चाहते हैं जिसने भी मर्डर किया है, कैसे किया है, क्या किया है, उसकी सच्चाई सीबीआई सामने लाए। इसको दूसरा जिया खान का आरुषि वाला, आरुषि तलवार वाला केस वैसा ना बनाए।